बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, खाकर शुक्र अदा करने वाले का रुतबा रोज़ा रख कर सब्र करने वाले की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीज़ें फितरत में से हैं, मूछ कुतरना, बगल के बाल उखेड़ना, नाखून तराशना, जेर नाफ के बाल साफ करना और खतना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में भी कुछ नमाजें पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल कब्रें ना बना लो, यानी जहां नमाज ही ना पढ़ी जाती हो। सात तबाहकुन गुनाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सात तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदान जिहाद से भाग जाना, नेक औरतों पर तोहमत लगाना। अबू इसहाक ने अमरु बिन मेमून से रिवायत की, कहा, जिस शख्स ने 10 बार ये जिक्र पढ़ा वो इस शख्स की तरह होगा जिसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से 4 गुलाम आज़ाद किए हों। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।